दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने जो भी परंपराएं बनाई हैं, हर परंपरा का गहन शोध किया जाए तो तुम्हें संतुष्ट कर देने वाले वैज्ञानिक तथ्य जरूर मिलेंगे। आज की पीढ़ी भले ही हर धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपरा में वैज्ञानिक पहलू खोजती हो और खोजना भी चाहिए, लेकिन तत्कालीन संतुष्टिपूर्ण तर्कों का उत्तर न मिलने पर वो ये समझ लेते हैं कि यह सब अंधविश्वास है। तो चलिए आज आपको एक ऐसी ही कथा से अवगत करवाते हैं। दोस्तों, यह घटना है प्रयागराज की है। प्रयागराज में एक पंडित जी अपने पितरों को तर्पण दे रहे थे। पंडित जी वेल एजुकेटेड थे, फिर भी वो ये सब कर रहे थे। पंडित जी को नदी में तर्पण करता देख वहाँ मौजूद एक नई पीढ़ी का नौजवान आया और नदी में आधे पांव जल में घुसकर हाथों से जल उठाया तथा सूर्य की ओर जल गिराते हुए उच्च स्वर में आंखें बंद करके बोला, यहाँ से कोसों दूर मेरी बकरी को प्यास लगी होगी, ये जल उस तक जरूर पहुँचेगा। नौजवान की इस मूर्खता भरी हरकत को देख पंडित जी हंस पड़े और एतराज जताते हुए नौजवान से बोले, अरे यजमान, यह आप क्या बोल रहे हो, यहाँ से पानी आपकी जीवित बकरी तक कभी नहीं पहुँचेगा। इस पर नौजवान बोला, यदि आपका दिया हुआ जल पितरों तक पहुँच सकता है तो मेरा यहाँ से अर्पण किया जल बकरी तक क्यों नहीं पहुँच सकता। पंडित जी को नौजवान के अज्ञान पर बड़ा दुख हुआ। हालांकि तर्पण करने के पीछे की परंपरा, आस्था का रहस्य और वेदों के ज्ञान से पंडित जी भली भांति परिचित थे और पंडित जी इस बात से भी पूर्णता अवगत थे कि जल पितरों तक पहुँचेगा या नहीं, पर इसको नौजवान के सामने तत्काल सिद्ध कर पाना पंडित जी के लिए शायद असंभव था, क्योंकि उनके पास सिद्ध करने के लिए कोई मंत्र शक्ति या वस्तु उपलब्ध नहीं थी, जिस वजह से उन्होंने उस नौजवान को उत्तर देना भी सही नहीं समझा और मौन हो गए। इस घटना की वार्तालाप को सुन रहे एक इंजीनियर ठहाका मारकर हंसने लगे और बोले कि सब पाखंड है जी, जिसका कोई सबूत ही नहीं उसका क्या अस्तित्व। अब इस बार वेदों के ज्ञाता पंडित जी ने चुप्पी तोड़ी और अब दोनों को ज्ञान से परिचित कराने के लिए नदी से बाहर निकलते हुए पंडित जी ने इंजीनियर बाबू के बगल रखी मेज पर कैलकुलेटर उठाकर एक नंबर डायल करते हैं और कैलकुलेटर अपने कान से लगा लेते हैं। पंडित जी बार बार हेलो हेलो करते रहे, लेकिन दूसरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। इंजीनियर तो पंडित जी की इस हरकत को देख कर दंग था और उन्हें ताज्जुब भरी नजरों से देखे जा रहा था। तब पंडित जी उस इंजीनियर साहब से शिकायत करते हैं कि ये मशीन तो काम ही नहीं कर रही। इस पर वे इंजीनियर साहब भड़क गए और बोले, ये क्या मजाक है, कैलकुलेटर में मोबाइल का फंक्शन भला कैसे काम करेगा, आप अजीब बातें करते हो। तब इस पर चुटकी बजाते हुए पंडित जी बोले, तुमने सही कहा, वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि स्थूल शरीर छोड़ चुके लोगों के लिए बनी व्यवस्था जीवित प्राणियों पर कैसे काम करेगी। वो महाशय जी वहाँ खड़े जल अर्पित करते हुए बोलते हैं कि जल मेरी बकरी तक पहुँचे, भला यह कैसे संभव है। इस पर इंजीनियर साहब अपनी झेप मिटाते हुए कहने लगे, यानी अपनी नासमझी दलीलों को छुपाते हुए बोले कि ये सब पाखंड है महाशय, अगर ये सच है तो इसे सिद्ध करके दिखाए, तब हम माने कि ये वास्तविकता है। इस पर पंडित जी ने तुरंत बुद्धि दौड़ाई और बोले, ये बताइए कि न्यूक्लियर पर न्यूट्रॉन के बम्बामेंट करने से क्या ऊर्जा निकलती है। इंजीनियर बोला, बिल्कुल, इट्स कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी। हाँ, पर इससे क्या होगा। इतना सुनते ही पंडित जी ने वहाँ रखे चौक और पेपरवेट उठाया और इंजीनियर के हाथ पर थमाते हुए कहा, अब आपके हाथ में बहुत सारे न्यूक्लियस भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी, अब आप इसमें से एनर्जी निकाल के दिखाए। इंजीनियर साहब की बुद्धि अब काम नहीं कर रही थी, सब ज्ञान धरे का धरे रह गया और सर खुजलाने लगा। साहब समझ गए और तनिक शर्म से पानी पानी हो गए और पंडित जी से पीछा छुड़ाने के लिए बहाना लगाकर वहाँ से निकल लिए। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि यदि हम किसी विषय या किसी तथ्य को प्रत्यक्षतः सिद्ध नहीं कर सकते तो इसका अर्थ है कि हमारे पास समुचित ज्ञान, संसाधन व अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। फिर इसका मतलब ये कतई नहीं कि वह तथ्य ही गलत है, वो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि सिद्धांत रूप से तो हवा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मौजूद है, फिर हवा से ही पानी क्यों नहीं बना लेते। अब आप सीमित साधन की कमी या अल्प ज्ञान की वजह से तत्काल समय में हवा से पानी बना पाना मुश्किल है, तो इसका मतलब आप ये घोषित थोड़ी ना कर दोगे कि हवा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही नहीं है। उसी तरह हमारे द्वारा श्रद्धा से किए गए सभी कर्म दान आदि भी आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में हमारे पितरों तक अवश्य पहुँचते हैं। इसीलिए व्यर्थ के कुतर्कों में फंसकर अपने धर्म व संस्कार के प्रति कुंठा न पालें। अल्पज्ञान मन में फालतू के तर्कों को जन्म देने की बजाय विनम्र होकर सही ज्ञान हासिल करने का प्रयास करें।